नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सदाबहार फूल के बारे में जानकारी दूंगा। यह सदाबहार का पौधा है, इसमें गुलाबी रंग का इसमें फूल खिला हुआ है। ये कई रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद, बैंगनी, लाल आदि कलर में भी पाया जाता है। सदाबहार पौधे को नयनतारा भी कहते हैं, बारहमासी भी कहते हैं। बारहमासी इसलिए कहते हैं क्योंकि बारह मास फूल देता है। गर्मियों में फूल काफ़ी ज़्यादा खिलता है, जाड़े में फूल थोड़ा कम खिलता है। दोस्तों, इस फूल के औषधि दिव्य गुण बहुत हैं। फूल जो है इसको हम लोग बंगाली में नयनतारा भी कहते हैं, शंखपुष्पी भी कहते हैं और बारहमासी का भी कहते हैं, क्योंकि बारह मास पौधा में फूल खिला रहता है। फूल की पत्तियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, इससे बाल काला किया जाता है। सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। फूल दिखने में साधारण जरूर लगता है, ज़्यादा आकर्षक तो नहीं लगता है, लेकिन औषधि गुण इसके इतने हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। अगले वीडियो में मैं इस फूल के बारे में आपको औषधि गुण का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से जो है केवल अभी हम सदाबहार के विशेषता और उसके लगाने की विधि के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, मैं फूल का वीडियो जब तैयार कर रहा हूं तो संजीव से देखिए तितली भी आकर इस पर बैठ गई है। दोस्तों, ये सदाबहार का पौधा बहुत ही आसानी से इसको उगाया जा सकता है और ये बुशी प्लांट है, ज़्यादा इसकी देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बीज से भी पौधे तैयार होते हैं और तने के द्वारा भी तैयार होते हैं। गर्मी का ये फूल है, गर्मियों में इसे खूब फूल खिलते हैं। सीजन थोड़ा सा बदल जाने पर या अर्थात विंटर सीजन में थोड़ा कम फूल खिलते हैं, बाकी समय ये फूल बराबर खिलते रहते हैं। पौधे कई कलर में भी लगा सकते हैं एक साथ गमले में। सफ़ेद गुलाबी वाला फूल देखिए मैंने एक लगाया है, सफ़ेद वाला फूल अभी तो नहीं ज़्यादा खिला हुआ, एक ही खिला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मिक्स कलर में खिलने पर और भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस पौधा को तैयार करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि ये पौधा आसानी से तैयार हो जाए तो इस पौधे के तने के द्वारा हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, देख रहे हैं, तोड़ लिया ऐसे और इसकी पत्तियां इस तरह से मैंने झाड़ लिया निचले और ये निकल गया। अब इस चीज़ इसको जो है आप देख रहे हैं, इसको हम किसी गमले में, फिलहाल मेरे पास एक खाली जो है प्लास्टिक का वो है, इसी में हम जो है इसको ऐसे गहरा करके ऐसे करके लगा देते हैं। ये पौधा लग गया, इसमें थोड़ी गीली मिट्टी थी। कुछ दिन बाद ये पौधा छोड़ दीजिए, जब ये पूरा मैच्योर पौधा हो जाए तो इसको आप किसी गमले में शिफ्ट कर। इस पौधे को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से इसका तना मिल जाए उस तने को तोड़ लीजिए या उसे मांग लीजिए और ले आकर किसी जो है छोटे गमले में या पोलोथीन के मिट्टी वाले जो बैग खाली रहते हैं उसमें आप जो है गहरा मिट्टी करके दबा दीजिए, आपका पौधा तैयार हो जाएगा। फिर उससे कई पौधे तैयार हो जाएंगे। देखा आपने कितना हमने आसान विधि द्वारा ये फूल का पौधा लगा दिया, आप भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये फूल की फलियां हैं जैसा देख रहे हैं आप, यही फलियां जब सूख जाती हैं तो बीज बन जाते हैं और बीज ये अपने आप अगर गिर जाए किसी गमले में या मिट्टी में तो अपने आप पौधा पनप जाता है। और ये सूख जाने पर इसके जो है काले जीरे जैसे बीज होते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नए नए फूलों के बारे में जानकारी मिलती रहे।
आप सभी को मेरा नमस्कार।